आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बॉडी पर से अनचाहे बाल बिना किसी केमिकल और बिना किसी वैक्सीन वगैरह के यूज किए किस तरह निकाले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिकित्सा तत्व विज्ञान में। मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में ही मिलने वाली सामग्री से आप कैसे अपने अनवांटेड बालों से छुटकारा पा सकते हैं। कई दोस्तों को पता होगा और कई दोस्तों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये घर में पाई जाने वाली सामग्री है। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्राइवेट पार्ट्स के हाइजीन के लिए अनवांटेड हेयर, बिकनी हेयर को जरूर रिमूव करें। इसके लिए आपको लेने हैं बेकिंग सोडा, देखिए ये है बेकिंग सोडा। दूसरा लेना है आपको नमक और नारियल तेल लेने हैं। ध्यान रहे कि आपको ये खाने वाला बेकिंग सोडा ही लेना है, जो खाने में इस्तेमाल करते हैं वह लेना है। बेकिंग पाउडर भी आता है और बेकिंग सोडा भी होता है, आपको लेना है बेकिंग सोडा। और यह आपको एक अलग से बाउल में, एक अलग से कटोरी में आपको लेने हैं 200 ml पानी। लगभग आप 200 ml पानी डाल लीजिए और उसमें डालने हैं आपको 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा। चाहे आप 1 बड़े चम्मच डालो या 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डाल लो। और उसमें 1 चम्मच नारियल डालने हैं, नारियल का तेल। एक चम्मच नारियल के तेल डालने हैं और उसमें चुटकी भर नमक डालने हैं, अर्थात थोड़ा सा नमक इसमें डाल दे इतना, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसे कुछ ही देर में ये मिक्स हो जाएगा, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स किए हुए सोडा पानी को जिस एरिया पर आपको लगाना है वहाँ पर आप एक कॉटन की सहायता से, या फिर ऐसे आप अपने हाथ से ही लगा सकते हैं। इसे अपने उस एरिया पर लगाइए जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है। जैसे आपको अगर अपने बिकनी हेयर के पास लगाना है तो रात को उसे लगा करके जब सूख जाए, थोड़ा सा हल्का सूख जाए, फिर आप कपड़े पाकर उसे सो सकते हैं। इसे लगाने के बाद आप फिर सुबह इसे आप हल्के गुनगुने पानी से धो लें। तत्पश्चात मॉइस्चराइज के लिए आप किसी भी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यू 2 दिनों तक करना होगा। इससे आपके बाल पूरी तरह से साफ हो जाएगा और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और यदि कोई किसी भी प्रकार की किसी को एलर्जी है तो वह इसका इस्तेमाल ना करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछें, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।